आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसे समाजवादी पार्टी दफ्तर में रखा गया, जिसमें गठबंधन के सभी प्रमुख नेता और उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इसी क्रम में प्राइम टीवी टीम ने आरएलडी के विधायक दल के नेता राजपाल बालियान से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी विधायक दल के नेता राजपाल बालियान जी। आज समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं उनकी मीटिंग हुई, कौन कौन से विषयों पर चर्चा हुई और कौन लोग सम्मिलित हुए? सभी लोग सम्मिलित थे और ऐसी कोई आज एक घंटे पहले वो टेलीफोन हुआ था, एक घंटे बाद वो मीटिंग बुलाए थे चाय पे, फिर वो चर्चा मीटिंग की भी हुई और चर्चा ये हुई कि भाई बजट सत्र है, बजट सत्र में किस तरीके से मजबूती के साथ अपनी बात उठावेंगे, अपनी बात सरकार से मनवाने का प्रयास करेंगे। सर, शिवपाल यादव जी नहीं आए, वहीं ओम प्रकाश राजभर की तरफ से चर्चा भी गई, क्या अंदर हुआ उसके बारे में बताएं। शिवपाल जी के बारे में अखिलेश जी ने यह कहा कि शिवपाल जी आ जाएंगे, बुला लेंगे उन्हें, आज वो बाहर हैं, ये कहा। अच्छा, आगे की क्या तैयारी है? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर जो गठबंधन है वो क्या तैयारी कर रहा है? गठबंधन तैयारी ये कर रहा, तैयारी होती रहेगी, अभी अभी हर चीज़ में समय है। गठबंधन था, गठबंधन है, गठबंधन आगे रहेगा। अच्छा, आप विधायक दल के नेता हैं आरएलडी के, एक हर जगह चलाया जा रहा है कि जो आरएलडी के विधायक है वो भाजपा संपर्क में है, आप क्या कहेंगे? आप वरिष्ठ नेता हैं, वो आप ही तो चला रहे हैं, आप ही चला रहे होंगे। हमारे आरएलडी के 8 विधायक सब लोग क्षेत्र में हैं, केवल अब हाउस चला ये 2 दिन और वो लोग यहाँ आए, वरनी इक्का दुक्का अगर आया तो अपने मकान के लिए या किसी बात के लिए आया हो तो मैं कहता नहीं। 8 के 8 विधायक अपने क्षेत्रों में काम कर रहे और आपके चैनल, आपके पेपर, बार बार के 6 विधायक बाबा जी के साथ चाय पी रहे, बाबा जी के साथ भोजन कर रहे, तो इसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन 8 के 8 विधायक माननीय जैन चौधरी के विश्वास में हैं, माननीय जैन चौधरी के आदेश के बगैर ना वो कहीं किसी से मिल रहे हैं, ना कहीं आ रहे हैं, ना जा रहे हैं, उनकी पूरी आस्था जैन चौधरी में है, राष्ट्रीय लोकदल में है। और ये गलत प्रचार पता नहीं भाजपा वाले करा रहे, पता नहीं चैनल कर रहा, तो ये हमें नहीं पता कि कौन करा रहा, ये हमारी पार्टी का गलत प्रचार किया जा रहा। अच्छा, महान दल के नेता नहीं सम्मिलित हुए, क्या कुछ ऐसी वार आ रही है क्या बीच में गठबंधन? महान दल आ जाएंगे, अब की बार मीटिंग रखेंगे, जल्दबाजी की मीटिंग थी, अब की बार मीटिंग रखेंगे, सबको देखना, शिवपाल जी को भी देखना और महान दल को भी देखना, चिंता ना करो। तो हमारे साथ मौजूद थे आरएलडी विधायक दल के नेता राजपाल बालियान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है गठबंधन है और गठबंधन रहेगा और आगे की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी और आने वाले चुनाव में हम साथ मिलकर लड़ेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। वही उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन गांधी भवन प्रेक्षागृह केसर बाग में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। वही सम्मेलन में कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं सामने रखी, वही कौशल किशोर ने सभी समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। बिजली कर्मचारी संघ के जो लोग हैं उनकी मांगे सब जायज़ हैं और काफ़ी दिनों से इनकी का ये संघर्ष चल रहा है। इस पर मैं कई बार मैं भी वार्ता कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, फिर से हमारी सरकार बनी है, इनकी एक वार्ता कराएंगे, प्रतिनिधि मंडल का मिलकर बैठ के बात कराएंगे और इनकी मांगों को पूरा कराने का हर संभव प्रयास। संगठन को मैं बहुत बधाई देता हूं, बिजली संविदा कर्मचारी संघ जो है, देवेंद्र जी इस पर बड़ा काम करते हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है पूरे प्रदेश में और मैं समझ रहा हूं बिजली कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी जायज़ मांगों को सही तरीके से प्रेजेंटेशन करने का काम देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही सही तरीके से हो रहा है। इसलिए एक बड़ा संगठन पूरे प्रदेश में बिजली संविदा कर्मचारियों का तैयार हुआ है और इनकी जो मांगे हैं वो सभी की भलाई के लिए, सभी के हित के लिए हैं और ये पूरी भी होंगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को
लेकर के हमेशा आंदोलित रहता है। आज ये सम्मेलन कर रहा है। बिजली विभाग में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों कर्मचारियों की कार्य के दौरान मृत्यु हो रही है। वेतन के नाम पर आधा अधूरा वेतन दिया जा रहा है। अनुबंध लाइनमैन उपकेंद्र परिचालक का होना चाहिए, जबकि लेबर का अनुबंध किया जा रहा है। ईपीएफ और ईएसआई में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ये तमाम विसंगतियां हैं, तमाम शोषण है। विभाग के नीतियों के खिलाफ ठेकेदारी चलाई जा रही है, जबकि इन कर्मचारियों को मशरूम व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराया जाना चाहिए, लेकिन पावर कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश की सरकार आज ठेकेदारी व्यवस्था के तहत इन कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है और तैनाती करके कार्य कराया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।